भीषण गर्मी और हीट वेव से इन दिनों लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरा उत्तर भारत तप रहा है। लू और तापमान में कमी न होने से लोग परेशान हैं। इस बार जून महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों को इस प्रचंड गर्मी से राहत दिलाने वाला एसी कूलर सब फेल नजर आ रहा है। 20 जून के बाद मॉनसून के सक्रिय होने से पहले देश के कई राज्य भट्टी की तरह तप रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। 14 जून के बाद यहां गर्मी कम नहीं हुई है। पहाड़ी राज्यों में यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। यहां भी गर्मी का तांडव मचा है। यूपी, बिहार के कई शहर भी खूब तप रहे हैं। दिल्ली वालों को अगले 2 से 3 दिन तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। बीते शनिवार से यहां लगातार लू चल रही है। इसके बाद हल्की बारिश और आंधी 1-2 दिन की राहत लेकर आएगी, लेकिन ये आंशिक होगी। एक बार फिर से भीषण गर्मी लौट सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री रहा, ये सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री अधिक 33.2 डिग्री रहा। पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकांश जगहों पर लू चलेगी, कुछ जगहों पर गंभीर लू और रात के समय भी लू की स्थिति रहेगी। 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म और तेज हवाएं चलेंगी। वहीं अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 18 और 20 जून को भी लू की स्थिति रहेगी। 20 और 21 जून को आंधी के साथ हल्की बारिश राहत तो लेकर आएगी, लेकिन तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां आने वाले 2 से 3 दिन भयंकर लू की स्थिति और गर्मी के तेवर हाई रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को भी लू चलने के आसार हैं। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और रायबरेली में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में हीटवेव की संभावना है। बात उत्तराखंड के मौसम की करें तो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है उत्तराखंड। यहां भी गर्मी का सतम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। रात के समय 27.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरगढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में 19 जून को तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में भी लू का प्रकोप जारी है। बिहार में 9 जिले ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना सहित 3 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार में 1 और 2 जगहों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं लू के रेड अलर्ट वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भूभुआ, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा भी है। वहीं पटना, नालंदा और जमुई में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मौसम का मिजाज अलग है। एक तरफ जहां लोग प्रचंड गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर बारिश हो रही है। रविवार को कोटा, जयपुर, सवाई माधवपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी समेत कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं आधे राजस्थान में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। फिलहाल तापमान 45 डिग्री के ऊपर रहने वाला है, जिससे आने वाले दिनों में कोई बदलाव की संभावना नहीं है।